नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में। सिरसा के पंचायत समिति के चुनाव आज आयोजित किए गए हैं और कांग्रेस की ओर से जो ये चुनाव है वो जीत लिया गया है। चेयरमैन किशन झोंपड़ा है वो बन गए हैं, उनको 17 वोट मिले हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिनको 13 वोट है वो मिले। हमारे साथ इस वक्त नव निर्वाचित चेयरमैन हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको। जी बधाई आपको। जी, तो ये कितना मुश्किल मुकाबला था, हालांकि जो है 17 वोट आपको मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत तगड़ा मुकाबला है जी, और काफ़ी मेहनत की है जी। हम 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, सारे से ये पार्टी के जितने वर्कर हैं बहुत है, सभी ने मेहनत का ये रंग है जी। तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी, चूँकि चेयरमैन आपको चुन लिया गया है? प्राथमिकता ये है कि अच्छे से काम करेंगे जी, विकास करवाएंगे अपने एरिए का, सभी गांवों का, सभी मेरे कैंडिडेट है जो 30 के 30, सभी को एक साथ जी सभी का विकास करवाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ कालामाली से जो विधायक हैं शिषपाल केरवाला, शिषपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस को यहाँ पे जीत मिली है, चेयरमैन हैं उनको 17 वोट मिले हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा कर रही थी कि वो चेयरमैन बनाएंगे यहाँ से पंचायत। देखिए, सिरसा से लेकर पूरे जो मैं कहता हूँ सिरसा जिले के जितने ब्लॉक हैं उसमें सभी ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों से संबंधित उम्मीदवार जीते हैं, पर जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है हमेशा दूसरों को मेंबरों पे कब्जा करके हमेशा बनाना चाहती है, परंतु यहाँ के जो मेंबर्स थे वो बड़े सूझवान थे और उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि किसान आंदोलन के बाद हमने यहाँ से सिरसा से एक मैसेज भेजना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी हराया जा सकता है, और वो जो मेंबर्स हैं वो ना बिकने के लिए, ना झुकने के लिए तैयार हैं, ना सरकार के काफ़ी दबाव भी डालने की कोशिश की। बिना डर भय के हमारे जो साथियों ने वोट डाले, वोट और भी आने थे, परंतु जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली है, चाहे MLA MPs पे जिस प्रकार से वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं या मेंबरों पे भी कब्जा करने की कोशिश की, परंतु इससे मेंबर बिल्कुल विचलित नहीं हुए। मैं मेंबरों को, विशेष तौर पे सारे मेंबरों को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बिना दबाव, बिना डर के उन्होंने वोट डाले, और जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्होंने भी ये तय कर दिया कि ये जो जीत है ये किसान और मजदूर को समर्पित करने जा रहे हैं। हमारी ये जीत है किसान और मजदूर और जो किसान आंदोलन में लड़े उन सभी शहीदों को हम समर्पित कर रहे हैं, और यहाँ से हम स्टार्ट करके आगे की जो लड़ाई है, जो कि इस सरकार को हम सत्ता से कैसे बेदखल करें, यहाँ से हमने शुरुआत की है और आगे भी हम इसी प्रकार के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वाइस चेयरमैन है वो चूँकि BJP का बन गया, हालांकि कांग्रेस की तरफ जो है वोट्स नंबर्स ऑफ ज़्यादा थे, लेकिन कई उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में, कांग्रेस सब सहमति नहीं कर पाई एक उम्मीदवार पे। देखिए, मोटा मोटा हमारी सहमति थी जी, और मैं इसमें बिल्कुल कहूँगा कि कांग्रेस के वोट ज़्यादा थे जी, परंतु हमारे 2 उम्मीदवार लड़ने के कारण हमारा नुकसान हुआ जी, और कुछ टाइम का ऐसा रहा कि उसको हम पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, ये हम हमारी कमी भी कह सकते हैं, या कुछ देखो मेंबरों की भी इच्छाएँ होती है जी, उन पे गांव का लोगों का और है, मेंबर्स बनने के बाद उन पे प्रेशर होता है, तो किस प्रकार की बात रही कि हम चाहते थे कि हमारा एक उम्मीदवार अंदर रहे, और निश्चित रूप से अगर हमारा एक उम्मीदवार होता तो हमारा उम्मीदवार जीतना तय था, परंतु हमारे जो वोट है वो 2 भागों में बटे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे हाथों से निकली है, ऐसी स्थिति को भी हम ठीक करने की आगे कोशिश करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिषपाल केहरवाला, और पंचायत समिति का जो चुनाव है वो चेयरमैन के तौर पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि किशन झोंपड़ा है, उन्होंने चुनाव जीता है, इसका वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है, और चूंकि कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार है खड़े होते थे वाइस चेयरमैन के लिए, और जो है वोट है वो बट गए थे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन कांग्रेस है वो चेयरमैन बनाने में सिरसा में कामयाब हो गई, ये कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया।